सिमडेगा जेल में एटीएस की रेड, गैंगस्टर अमन के गुर्गे आकाश राय के पास से मोबाइल बरामद किया गया है। गढ़वा और छत्तीसगढ़ के कांड से जुड़े तथ्य पाए जाने की सूचना है। वर्ष 2021 से जेल में है अमन का गुर्गा आकाश, जिसके पास से फोन बरामद किया गया, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया आकाश राय के पास से। वहीं गढ़वा और छत्तीसगढ़ के कांड से जुड़े तथ्य पाए जाने की सूचना है। इसमें वर्ष 2021 से ही जेल में है अमन का गुर्गा, जो आकाश है वो जेल में बंद है। सिमडेगा जेल में एटीएस की ये रेड, और इस रेड में अमन के गुर्गे आकाश राय के पास से मोबाइल बरामद किया है एटीएस की टीम ने। इस मोबाइल से निकले इन्फॉर्मेशन से ये तार जो है गढ़वा और छत्तीसगढ़ कांड से जुड़ते नजर आ रहे हैं। गढ़वा छत्तीसगढ़ के कांड से जुड़े कई तथ्य उस मोबाइल फोन से पाए जाने की सूचना है। और आशीष हमारे सहयोगी फोन लाइन पे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब अमन के गुर्गे आकाश के पास एक फोन बरामद किया गया है, जिसमें एटीएस को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है छत्तीसगढ़ कांड से जुड़े हुए, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर आपके पास? बता दें कि इस संदर्भ में सिमडेगा पुलिस से हमारी बात हुई, वे भी साथ में थे छापेमारी के दौरान। सिमडेगा पुलिस ने जो जानकारी दी उसके हिसाब से जो मोबाइल मिले हैं उसमें छत्तीसगढ़ और गढ़वा में हुए कांडों की काफी अहम सुराग मिले हैं, और इन सभी सुरागों पर एटीएस काम कर रही है। और इस तरह की जो स्थिति है जेल में, एटीएस का कहना है कि मोबाइल कैसे गई इसकी छानबीन की जाए, और पुलिस इस मामले में अब तक जाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मोबाइल जेल के भीतर गया कैसे। ये जेल के सुरक्षा पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा सोनाली, क्योंकि जब आकाश जैसे अपराधी अंदर हैं और इस तरह से मोबाइल चली जाए, तो ये कहना होगा कि इस तरह हथियार में अंदर जा सकते हैं जिस तरह मोबाइल गई, और कभी भी जेल के अंदर कोई बड़ी घटना घट सकती है। तो पुलिस सारे मामले की छानबीन कर रही है, और जो सुराग मिले हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे मोबाइल पाए जाना ये सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।